नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है काला चना चाट। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और साथ ही हेल्दी भी काफ़ी है। तो यहाँ पे मैंने काले चने लिए हैं, लगभग 1 बड़ा कप काले चने हैं, जिसे मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद में लगभग 2 सीटी लगाई और 5 मिनट धीमी आंच पे अच्छे से पका लिया, ये देखिए। और पकाते समय मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला था, जिससे नमक का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ये देख सकते हो आप कितने अच्छे से चने पके हुए हैं। और 2 से 3 टमाटर लिए हुए हैं, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। 1 बड़ा प्याज लिया है, उसके मैं बारीक काट लिया। काफ़ी सारा मैंने हरा धनिया लिया, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। थोड़ा सा मैं इसमें काला नमक डालूंगी, थोड़ा सा सफ़ेद नमक भी लिया हुआ है, तो नमक अपने टेस्ट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी, तो लगभग आधा चम्मच के करीब मैं चाट मसाला डालूंगी। और 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है। और चाट है तो क्योंकि थोड़ी सी तीखी चटपटी अच्छी लगती है, तो मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। और यहाँ पर मेरे पास ये इमली की सॉस है, ये तो वो मैं 1 चम्मच डालूंगी, तो ये आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। थोड़ा सा नींबू का रस डालूंगी, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा चाट का। तो शुरू करते हैं काले चने का चाट बनाना। तो यहाँ पर अब मैं सभी चीज़ें इसमें डाल दूंगी, टमाटर बारीक कटे हुए, प्याज, 1 प्याज है मैंने ली हुई बारीक काट लिया है, जिसे हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डालूंगी मैं, हरी मिर्च, नमक, थोड़ा सा काला नमक। काले नमक से चाट का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और अब मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला। तो चाट मसाला एक बार आप डाल दो, क्योंकि सभी चीज़ों में चाट मसाले में भी नमक होता है, तो एक बार पूरी तरह से बन जाने के बाद चाट को आप जरूर टेस्ट कर लो। और उसके बाद में फिर आप नमक अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, नहीं तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए, क्योंकि उबालते समय में भी हमने नमक डाला है काले चने में, तो उस हिसाब से आप डाल सकते हो, क्योंकि हमने काला नमक सफ़ेद नमक भी डाला है। चाट मसाले में भी नमक होता है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा, ये देखिए इमली की चटनी मैंने ये ली है, इमली का सॉस वो डालूंगी। तो इसमें नींबू भी डालूंगी, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो मैं लगभग आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ। और अच्छे से मिक्स कर लूंगी, इमली की चटनी को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का, आधा नींबू का रस डाल रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो खट्टा। और चाट तो जितनी चटपटी होती है उतनी ही टेस्टी लगती है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी। ये देखिए हमारी कितनी जल्दी से चटपटी चाट बन के तैयार हो गई है। तो अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी है, इमली की चटनी, नींबू का रस। तो आपको जितना चटपटा आपको चाट को बनाना उतना आप बना सकते हैं, क्योंकि चाट खाने का मज़ा ही आ जाता है। तो हमारी ये चटपटी चाट बनके तैयार है खाने के लिए। तो अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। चटपटी चना चाट खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आपने देखा ये चाट बनाना कितना आसान है, और घर पे ही आप इतनी चटपटी चाट बना सकते हो, आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए शाम के वक्त, ये खाने के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और कमेंट करके बताना ना भूलें कि काला चना चाट की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।